हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कढ़ाई बता रहे हैं। देखिए, ये हमने डिज़ाइन ट्रेस किया है। इसके लिए हमें पत्तियों के लिए ग्रीन, ये शेडेड ग्रीन, फूलों के लिए हमको ये रानी कलर का और रोज़ी कलर का, ये सब कलर हमने लिए हैं। देखिए, अब हम कढ़ाई शुरू करते हैं। डंडियों के लिए हमने ब्राउन कलर लेना है। देखिए, अभी हम पहले पत्तियां बनाएंगे। पत्तियां बनाने के लिए अच्छा रहता, हमने सिंगल कलर का इसमें धागा डाला है। देखिए, सिंगल धागा डाला है, हम डबल से नहीं, सिंगल धागे से कढ़ाई करेंगे। देखिए, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा करने के लिए अच्छा है कि इसके ऊपर पहले आप इसको कच्चा कर लें, जिससे क्या है कि कढ़ाई बराबर आ जाती है। देखिए, हम पहले इसको कच्चा करेंगे ऐसे। देखिए, हम पूरी पत्ती हमने आउटलाइन सी बना ली है। अभी हम इसको सेंटर में एक लाइन लगाएं, साइन भी वो कर लेंगे, दो भाग कर लेंगे पत्ती का। ये देखिए, अब हम इसकी कढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ हम हमने, देखिए, ये जो धागा कच्चा किया है उसी के बाहर की साइड से हम इसको लेंगे, सुई को, धागे को भी। ये देखिए, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। आप आराम से बना सकते हैं। छोटी पत्ती हो बड़ी हो, ऐसे ही हम उसको बनाते रहेंगे।
आप चाहें तो घर में ट्रेस कर लें, चाहे बाजार से भी ट्रेस करवा सकते हैं। एक साइड हमारी हो गई है, अब हम दूसरी साइड करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। आप चाहें तो डबल शेड में इसको करिए, धागा डबल शेड का ले लीजिए, चाहे तो सिंगल कलर में ले लीजिए, वो आपकी मर्जी पे है, इच्छा पे है। देखिए बहुत छोटी पत्ती है, इसीलिए इस छोटे इस धागे में ही एक ही कलर से मोस्टली हो गई है। ये बड़ी पत्ती होती तो इसमें शेड भर जाता अपने आप। एकदम साथ साथ में लेना है, ज़्यादा दूर दूर टांका नहीं लेना, क्योंकि सिंगल धागा है। ज़्यादा दूर आप टांका लेंगे तो कपड़े नीचे से कपड़ा दिखेगा, गैप आ जाएगा उसमें। इसके लिए एकदम धागा जो है, सुई जो है, साथ साथ में ही निकालनी है, ज़्यादा दूर नहीं निकालनी। इसे सीख कर आप अपनी ड्रेस पर, बच्चों की फ्रॉक पर, आप किसी पर भी कढ़ाई कर सकते हैं। मेज पोश करिए, चद्दर करिए। ऐसी हम ये वाली पत्ती भी बना लेंगे, इसको भी हम पहले यहाँ से आउटलाइन कर लेंगे। ऐसे ही इसकी भी आउटलाइन हम कर लेंगे। ये वाइट कपड़ा है इसलिए धागा भी शेड में वाइट आ गया है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये कम दिखे कि वाइट पे वाइट है, इतना पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा कलर होगा तो आसानी से दिख जाता है। हमने इसके ऊपर भी आउटलाइन लगा ली और इसका सेंटर कर लिया।
अब हम यहाँ से इसकी चलो कढ़ाई करेंगे। आउटलाइन देने से धागे से एक फ़ायदा होता है कि हमारी जो पत्तियों की या फूल की जो शेप होती है वो बाहर नहीं जाती। उसी के हमको पास पास में करना होता है। उसके बाद शेप बराबर आ जाती है। कई बार ड्राइंग करने में टेस्ट करने में शेप थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो धागे से कच्चा डालने से आउटलाइन करने से हमारी जो शेप है वो थोड़ी बराबर रहती है। जैसे यहाँ थोड़ी हमको लगी तो हम यहाँ से दोबारा एक टांका लगा देंगे, तो देखिए इसका पॉइंट बन जाता है। ऐसे हम इस साइड की भी बना लेंगे। देखिए ऐसे हम सारी पत्तियां बना लेंगे। देखिए ये पत्ती हमने लाइट कलर से बनाई, अब ये जो पत्ती है वो हम डार्क कलर से बनाएंगे। जो पहले हम इसको हम पहले कच्चा कर लेंगे, कच्चे टांके से इसको आउटलाइन कर लेंगे।
इसको देखिए ध्यान रखिए, एकदम साथ साथ में टांका लेना है, थोड़ा भी दूर नहीं लेना नहीं तो फिर गैप आ जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, आप बताइए कि कैसा आपको लगा। तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से मिलती रहे। सॉरी, देखिए हम आपको पेंटिंग भी बताते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी, क्रोशिया, स्टिचिंग, हर चीज़ हम बताते हैं। आपको जिस चीज़ कोई कपड़ा जो सीखना हो कटिंग करनी, हम वो भी सिखा देते हैं। और आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा, जेंट्स पजामा, पेंट गार्ड का पजामा, लेडीज प्लाजो, कमीज़, ये सब बताते हैं। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करिए। और आपको क्या सीखना है, फ्रॉक या ब्लाउज, पेटीकोट, जो भी आपको सीखना है आप बताइए, हम वो भी करके आपको कटिंग करके सिलाई करके आपको दिखाएंगे। देखिए ऐसे ही हम सारी पत्तियाँ बना लेते हैं। इसी तरह हम इस साइड की भी पत्ती बनाएंगे, इसकी भी पहले हम आउटलाइन कर लेंगे। इसकी भी पहले आउटलाइन होगी, उसके बाद हम जैसे इसकी भी आउटलाइन करके हम सारी पत्तियां बना लेंगे। देखिए हमने ग्रीन पत्तियां पूरी कर ली, अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर का शेड देंगे।
देखिए ऐसे ही हम पूरी पत्ती में इसमें येलो का थोड़ा सा शेड दे देंगे। ऐसे हम सारी पत्तियों में शेड दे देते। अब देखिए हमको फूल बनाने हैं, फूल हम लेजी डेजी के बनाएंगे और सिंपल हैं। ये देखिए जैसे ही जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ हम डेजी डेजी के फूल बना लेंगे। एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ये देखिए हमने इसमें पीला पत्तियों में पीला लगा दिया है
कितना सुंदर लग रहा है। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा ढीला ही छोड़ना है ताकि इसको खींचे देंगे तो ये बंद सा हो जाएगा। थोड़ा देखिए खुला खुला थोड़ा अच्छा लगता है, इसके लिए हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। से हम इसको अंगूठे से पकड़ लेंगे ताकि जो धागा है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत इजी है, फ्रेम ढीला हो जाए। ये देखिए जैसे पकड़ते पकड़ते ढीला हो जाता है तो इसको ऐसे खींच के थोड़ा टाइट कर ले, नहीं तो कढ़ाई के टाइम पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा और झोल पड़ने लगेगा। ये देखिए हमारा एक फूल कितनी जल्दी फटाफट ख़त्म भी हो गया। ऐसे ही हम देखिए ऐसे ही हम जितने फूल हैं सारे बना लेते हैं। देखिए अभी हमने लेजी डेजी से बनाना शुरू किया, ये देखिए ये हम दो रंग से बनाएंगे, एक ये तो रानी कलर से बना रहे हैं, एक हम बनाएंगे फिरोजी कलर से। देखिए हमारा दूसरा फूल भी बन गया है, इससे बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। इस टांके से आप बच्चों की फ्रॉक पे फ्लावर या अपने ड्रेस पे भी फ्लावर ये सब ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए हमने पिंक से ये बना लिए थे,
अब हम ये जो बाकी के बचे हैं तीन, इसको हम फिरोजी कलर से बनाएंगे। आप चाहें तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको यही कलर सेम डालना है या दूसरा डालना है या सारे फूल एक ही से करने हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मुझे तो क्या दोनों कलर अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने दोनों कलर डाल दिए हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसी कलर से बना लीजिए। आप चाहें तो एक में दो दो भी डाल सकते हैं कलर, जैसे बीच में गैप है उसमें आप दूसरा कलर भी डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, लाइट पर्पल डाल सकते हैं, यही सेम रानी कलर का भी आप डाल सकते हैं। और सिंगल से चाहें तो सिंगल से ऐसे ही बना सकते हैं। फटाफट से हमारा फूल बन गया है, सुंदर भी लगता है और जल्दी जल्दी बन भी गया है। देखिए अभी हम बटरफ्लाई बनाएंगे। इसके लिए मैंने मजेंटा कलर, रानी कलर बोलो वो लिया है धागा। इसके भी हम ऊपर से पहले आउटलाइन बना लेंगे। दोनों साइड की हम आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम शेड भरेंगे। कई बार क्या होता है ट्रेस में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो आउटलाइन से हम उसको बराबर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको शेड भरना चालू करेंगे। बीच में से चालू शुरू करेंगे। देखिए
देखिए यहाँ से हम कोई थोड़ा छोटा टंका कोई थोड़ा बड़ा ऐसे करके लेंगे ताकि हमको शेड भरने में आसानी रहे। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाता है। ऐसे देखिए हमने डार्क कलर से तो बना लिया, अब हम लाइट कलर से इसमें शेड भरेंगे। ये हमने लाइट डार्क शेड का धागा लिया है, इसमें अपने आप कहीं लाइट कहीं डार्क आता जाएगा। ये देखिए ये हमने बीच बीच में बड़े डाक के ये बड़े बड़े टांके इसलिए डाले हैं कि जब हम लाइट डालें तो उसमें भी टांके आए और वो शेड सा लगे। ऐसे हम पूरी बटरफ्लाई को ऐसे ही भर देंगे। ये देखिए ऐसे हम इसको बनाते जाएंगे, हमारी सुंदर सी प्यारी सी बटरफ्लाई बन जाएगी। ये जो हमारा बीच का हिस्सा है वो इसका ये हम ब्लैक से बना लेंगे। देखिए अभी हम बटरफ्लाई का बीच का हिस्सा बनाएंगे। ये देखिए इससे बहुत सुंदर लगती है ये बटरफ्लाई।
देखिए कितना आसानी से हमारा फूल और ये बटरफ्लाई बन गई है, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। आप लोग बनाएंगे तो फटाफट से बन जाएगी। इसको हम डंडी टांके से बना देंगे। ये देखिए हमारा इसका बन गया। अभी हमको इसके आगे बनाना है तो हम इसको ऐसे दो या तीन बार, बारीक धागा है इसलिए तीन चार बार करके इसको हम यहाँ से हमने धागा निकाला है उसी में जा उसी के पास में हम धागे को देखिए कर लिया। आप ध्यान रखिए ये जो धागा है इसको आप अपने हाथ में पकड़ के रखिए, नहीं तो सारा ढीला हो जाएगा और फिर ये बनने में थोड़ा दिक्कत करता है। अब इस साइड भी हम ऐसा ही बना लेंगे। ये देखिए डंडी टांके में भी ध्यान रखना है कि धागा आपको एक ही साइड रखना है, कभी लेफ्ट या कभी राइट ऐसे रखोगे तो बराबर नहीं बनता है। देखिए भी हमको यहाँ बनाना है, हम यहाँ इसे तीन चार बार धागे को लपेट लेंगे। देखिए और धागे को हाथ में ही रखना है, पकड़ना है और उसके ऐसे पकड़ के उसको नीचे से सुई से खींच लेना है। ये देखिए हमारा बन गया। देखिए हमारी बटरफ्लाई कितनी सुंदर और प्यारी से बन गई है। अब हम खाली विश लिखेंगे, उसको हम सबको अलग अलग सारे वर्ड, चार वर्ड हैं, चारों को हम अलग अलग से अलग अलग धागे के कलर से हम इसको लिखेंगे। देखिए इसको हमने से ज़्यादा सा यहाँ से इसको बांध दिए। देखिए अब हम विश लिख के दिखाते हैं। देखिए अभी हम W लिखेंगे, देखिए ये भी हमारा W भी देखिए हमारा W भी बनने को तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा W भी तैयार हो गया। ऐसे ही हम
ISH भी बना लेते हैं। देखिए अभी हम आई बनाएंगे। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन जाता है। देखिए हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी खाली है। इसके लिए अभी हम इसको येलो कलर से भरेंगे। इसके लिए ये देखिए, इसमें हम ये वाला टांका डालकर पूरा येलो कलर से भर देंगे। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ लेना है और इसको सुई नीचे निकाल देंगे हम। धागा थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाए तो थोड़ा उसको निकलने में मुश्किल होती है, क्योंकि हमने 3-4 बार घुमा दिया है, इसलिए थोड़ा सा निकलने में। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में हमारी वीडियो मिलती रहे, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।